श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस समय मैं हूँ अपने बाग में। यहाँ हमारे यहाँ बहुत घने घने बाग होते हैं और बागों में जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को खोजने का, उनको पहचानने का एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बाग हैं, जंगल तो नहीं है लेकिन बाग हम कह सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बाग होते थे जो प्राकृतिक रूप से यहाँ, जैसे आजकल आम हो रहा, देसी आम हो रहा, कलमी आम हो रहा, इसी प्रकार देसी पेड़ होते थे। हर चीज़ के देसी पेड़ होते थे जो प्राकृतिक रूप से उगे हुए होते थे। तो यहाँ दोस्तों आपने गुंजा का नाम सुना होगा, जिसको रत्ती कहते हैं। पहले जो है सोना तोलने में, चांदी तोलने में, हीरा मोती जवाहरात तोलने में इनका उपयोग होता था। इसको रत्ती मात्रा, एक रत्ती होती, रत्ती एक रत्ती, दो रत्ती, तीन रत्ती, तो इसका मापन में इस्तेमाल होता था। उसका एक फल होता था, पहले पुराने समय में इसी का इस्तेमाल होता था, जिसमें कि दोस्तों हमारे बागों में लगी रहती है लाल फल वाली, लाल काली फल वाली जो है रत्ती। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ उसका, क्योंकि इसमें बीज पक गए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को विभिन्न प्रकार के बीज बेचता हूँ, जैसे बिधारा के बीज हो गए, सफ़ेद गुंजा, लाल गुंजा, जो दुर्लभ बीज होते हैं उनको मुझे खोजने का प्रयास रहता है, क्योंकि उसमें मेरा रुचि है, इंटरेस्ट है। तो आज मैं दोस्तों अपने गांव में आया था, तो लोग यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसकी बेल ऊपर लगी हुई थी, लाल गुंजा ये दोस्तों है, लाल काली गुंजा, ये देखिए इस प्रकार से इसके बीज होते हैं। इसके इन दोनों, ये लाल गुंजा होती है, सफ़ेद गुंजा होती है, इसी में दोस्तों पूरी काली गुंजा भी होती है। तो दो तीन प्रकार की ये औषधियाँ होती हैं, गुच्छे के रूप में इसके फल लगे हुए हैं। इनके तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं, इसकी जड़ का भी प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों मेरा मेन उद्देश्य जो रहता है, आप लोगों को इसकी पहचान कराना रहता है कि इनको कलेक्ट करके हम लोग जो है अधिक से अधिक लगाएँ। क्योंकि दोस्तों प्रायः गायब होते जा रहे हैं पौधे, बाग गायब होते जा रहे हैं, जंगल गायब होते जा रहे हैं, साथ ये दोस्तों पौधे के गायब होते जा रहे हैं। तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, जंगली चीज़ जंगली जगहों पर ही इनका प्रयोग केवल मात्र रह गया है। बाकी इनको जानने की सकता, बहुत अच्छी बेलें होती हैं और गुणवत्ता से परिपूर्ण होती हैं ये। अपने सब दोस्तों देसी बीज हैं, आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए देसी लाल गुंजा, इसमें कई सारी बेलें, देखिए बेलाएँ बौड़ी हुई हैं, अन्य बेलाएँ। तो यहाँ पे इनको कलेक्ट करने का, आप लोगों को भेजने के लिए, क्योंकि यहाँ बेल काफ़ी सारे, मैं सेमर का पुष्प लेने दोस्तों आया था, यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे रहते हैं जिनके कि मैं आपको कलेक्ट करके आपको भेजता हूँ बीज। तो उसी में मुझको दोस्तों यहाँ मिली, तो मैंने आपको परिचय कराया। अगर आपको इसके बीज चाहिए हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा होता है कि बीज जो है जो लोग हमसे मंगाते हैं, सीजन पर इनकी कालावधि होती है, जिस समय इनको उगना उसी समय उगेंगे, और जिस मिट्टी में उगना है, क्योंकि अगर इसी प्रकार ज़्यादा उगने लगे तो हर जगह इतनी बेल हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं, इनको शुद्ध मिट्टी चाहिए रहती है, शुद्ध वातावरण चाहिए रहता है। इसलिए गाय के गोबर के साथ मिट्टी का प्रयोग करके इनको उगाने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये इनके जो है गुणवत्ता परिपूर्ण होती, देसी वृक्ष होते हैं ये, और हर जगह इतनी मात्रा में भी नहीं उगते हैं। क्योंकि अब कहा जाए इनमें कितने सब बीज उगाएंगे, तो इसमें से सब बीज तो नहीं उगेंगे, कुछ ही बीज उगते हैं, नहीं तो हर जगह यही सब चीज़ हो जाती है। इसलिए ये थोड़ा दुर्लभ हो जाते हैं, आजकल दुर्लभ मात्रा में हो गए। तो हमें अपने देसी बीजों का उपयोग करना चाहिए। आप मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर दे रहा हूँ मैं, इसमें व्हाट्सअप करके आप इसके बीजों को हमसे मंगा सकते हैं। कुछ दिन बाद इसके प्लांट भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग अब प्लांट भी मांगने लगे, तो उसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्लांट भी भेजूँ और इनको अधिक से अधिक लगाएं। सफ़ेद गुंजा, लाल गुंजा, ये दो प्रकार के बीज अपने पास इस समय अवेलेबल हो गए हैं, इनके पौधे भी उगाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आप लोग मुझे जो है उत्साह के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को कम वीडियो डाल पाता हूँ, मेरा मेन जो उद्देश्य रहता है मैं अधिक से अधिक पौधों को, दुर्लभ पौधों को अपने कलेक्ट कर सकूं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं, आप लोग उगा सकें, क्योंकि जो नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो उसी कार्य में लगा हुआ। इसलिए इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक कर दिया करें, जिससे मुझे उत्साह मिला करे कि मैं आगे कार्य करने की अच्छी प्रेरणा रखूं।